कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी, जो जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने। अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा, तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा, आपके लिए करना पड़ेगा।